गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज आज का सीन कुछ ये है कि आज का ये व्लॉग जो है ये एक शादी व्लॉग है। गाइज मैं जा रही हूँ एक शादी पर, मेरी तबीयत वैसे 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन गाइज शादी पर जाने का मुझे इतना शौक है, मैं तो वेट करती हूँ कि किसी की शादी का इन्विटेशन आए मुझे और मैं उसकी शादी अटेंड करूँ। खैर गाइज ये मेरी एक यूनि फेलो है, उसकी शादी है और मैं आज उसकी शादी पर जा रही हूँ। अभी अभी मैं सो के उठी और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है कि मैंने क्या पहना है। तो अभी मैं जल्दी से ड्रेस डिसाइड करती हूँ कि मैंने क्या पहना है और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ। तो गाइस आपने मेरा फुल व्लॉग देखना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले गाइस मैं चलती हूँ जल्दी से, मैं कुछ दिमाग पे जोर लगाती हूँ और देखती हूँ कि आज क्या पहन के जाना है और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया। 2000 years later तो गाइज मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ग्रीन वाला ड्रेस आज पहनूंगी। मेरा इतना दिल था ये ड्रेस पहनने का, मैं कह रही थी जल्दी से कोई शादी है, खैर आज शादी आ गई है तो मैंने सोचा आज इसे मैं पहन ही लेती हूँ। और साथ मैंने डिसाइड किया कि इसके साथ मैं ये गोल्डन जूता पहनूंगी। सो गाइज ड्रेस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कौन सा पहनना है और साथ जूता भी डिसाइड कर लिया जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो गाइज मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। ये गाइस ये मैं रेडी हो गई हूँ शादी पे जाने के लिए। मैंने ये ग्रीन ड्रेस पहना है, ये मैंने सफायर से लिया था। ये मैंने अपने एक वीडियो पे भी पहले आप लोगों को दिखाया हुआ है कि मैंने ये ड्रेस सफायर से परचेज किया था। गाइस अब मैं इसकी फुल लुक दिखाऊंगी आपको रेस्टोरेंट में जाके। अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ तो मैं जल्दी से निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरा भाई जा रहा है, तो अभी मैं निकलती हूँ और फिर देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जाके क्या सीन होता है। गाइज ये मैं रेस्टोरेंट पहुंची हूँ, इन्होंने ये सिर्फ ऊपर वाला एक फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने बुकिंग करवाई है अपनी। छोटा सा फंक्शन है, ज़्यादा कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं है बिकॉज के इनका निकाह पहले हुआ है, जस्ट आज रुखसती का एक छोटा सा इवेंट है तो डैट्स वाई ज़्यादा लोग भी नहीं आ रहे, तो इसीलिए ये वाला हॉल इन्होंने बुक करवाया है। गाइस जी मैं हॉल पहुंच गई हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी मैं लेट हो गई हूँ लेकिन मैं टाइम पर ही पहुंच गई हूँ क्योंकि ब्राइडल आ गई है। अब वो मैं ब्राइडल रूम में जा रही हूँ उससे अपने दोस्त से मिलने के लिए। मेरी और दो दोस्तें भी आई है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ और ब्राइडल से भी मिलते हैं और देखते हैं कि उसने कैसा ड्रेस पहना है। अब मैं ब्राइडल रूम में जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे देख के मेरे दोस्त का कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं आज आ रही हूँ। क्योंकि 2-3 दिन से आप लोगों को पता है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा फीवर है, तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी, बट अचानक से मेरा मूड हुआ और मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। तो देखती हूँ कि अब उसका कैसा रिएक्शन होता है मुझे देख के। हाय Beautiful! और गाइज ये है मेरी फुल लुक। मुझे तो मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है। तो गाइज मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ। गाइस बारात आ गई और सब लोग उनके इस्तकबाल के लिए फ्लावर्स लेके खड़े हैं, जैसे ही वो आएंगी तो ये फ्लावर्स हमने उन पर थ्रो करने हैं और नेक्स्ट फिर उनका वेलकम करना है। गाइस बारात आ गई है लेकिन दूल्हा अभी तक नहीं आया है, पता नहीं शायद वो लिफ्ट से आ रहे हैं, हम लोग बस उनको देखने के लिए यहाँ पे खड़े उनका वेट कर रहे हैं। हाय गाइस ये मेरे दोस्त का बेटा है छोटा सा, ये मुझे देख के भाग गया है। ऐसे तो नहीं होता है। हेलो हेलो बेबी,
वो सलाम तो ले लो मेरे से, मैं आपकी खाला हूँ, बोलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाइस हमने तो खाना ब्राइड रूम में ही खाया था अपनी फ्रेंड के साथ, तो हमारा खाना तो टेबल पे सारा आ गया था, इसलिए हमें बाहर जाके लेना नहीं पड़ा। हाँ ना वही तो काम बंद तो करती है। मजा आया। सो गाइज ये मैं घर आ गई थी, घर आके मतलब मैंने अपने बाल सबसे पहले टाई किया और फिर मैंने उसके बाद सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो गाइज सीन कुछ ये हुआ था कि बारात बहुत ज़्यादा लेट आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने रेस्टोरेंट की ना लाइट्स को ऑफ कर दिया था। यहाँ पे 6 to 10 ही टाइम देते हैं और 10 बजे पूरे ऑफ कर देते हैं, और बारात आई है 9:30 पे, बस खाना खाया एंट्री की है उन्होंने और लाइट्स उन्होंने रेस्टोरेंट की ऑफ कर दी है। तो गाइज खैर मुझे वैसे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अमूमन हमारी फैमिली में बहुत कम शादियाँ आती हैं, हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मैं शादी पर जाऊँ, तो मेरी ये फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट किया तो मैं चली गई। बहुत मजा आया मुझे। आई होप गाइज आप लोगों को भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। गाइज अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।